नमस्कार, मैं हूं आंचल। गुरुवार को लोकसभा में निर्मला सीतारमण अपने से कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। इस वजह से जहां आम लोगों को उम्मीद है, वहीं देश के लिए कोई बड़ी योजना की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। आज विशेष में बात करेंगे इसी बजट की, उम्मीद की और आशा की। एक फरवरी 2024 को इस साल का बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह बजट मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। यही कारण है कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि इस बार का बजट चुनाव से कुछ ही दिन पहले पेश होगा। जाहिर है, इसमें चुनाव को लुभाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। बजट 2024 के संदर्भ में कोई भी चर्चा दो पहलुओं से करनी चाहिए। पहली बात यह है कि इस बजट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, तो निश्चित रूप से सरकार जनता को आकर्षित करने के लिए किसी बड़ी घोषणा का जिक्र कर सकती है। हमने 2019 के भी अंतरिम बजट में देखा था कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि जैसी बड़ी योजना लाई थी, जिसका लाभ आज भी किसानों को मिल रहा है। जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इस बजट के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भी बड़ा पूंजीगत खर्च किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्राथमिकता ज्यादा है। इसलिए इस बजट का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। इस बजट से, क्योंकि ये अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अंतरिम बजट है ये अभी, और इसमें जो आशाएं हैं वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रख के लोक लुभावन नीतियों पर ये बजट आएगा। आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि आम बजट जो है वो जुलाई में आएगा, लेकिन इस चुनाव को देखते हुए इससे लोक लुभावन नीतियां ज़्यादा आएंगी, और आम बजट जो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या और चीज़ें ज़्यादा ध्यान दी जाती है राष्ट्र की, वो कम आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। गवर्नमेंट का IMF की कल रिपोर्ट आई है, जिसमें कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ 7% ऑफ इट्स GDP होगी। तो ये तो तय है कि गवर्नमेंट सारे कदम उठाएगी डेवलपमेंट को लेके, लेकिन सबसे इसमें खास बात ये होगी कि डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। तीन बातें इसमें ज़रूरी हैं जो हर नागरिक को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और बिना मिलावटी फूड जो है, खाना जो है वो मिले, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी व्याप्त है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ही एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वृद्धि दर बरकरार रखने के साथ साथ बड़ी जन लुभावनी योजनाओं पर भी ध्यान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट लोकसभा में पेश करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि देश की जनता की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं कि आखिर निर्मला सीतारमण किसकी झोली में क्या डालने वाली हैं।
स्वास्थ्य सेक्टर को बजट से काफी उम्मीद है। क्या नए बजट में आयुष्मान भारत योजना की कवर राशि डबल होगी? क्या सभी को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी? आयुष्मान कार्ड बनने के बाद क्या आसानी से इलाज की सुविधा मिल पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कल लोकसभा में पेश हुए बजट के बाद सामने आएगा कि आखिर वित्त मंत्री ने किसकी झोली में क्या डाला है। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं उन पे GST नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है इमरजेंसी ड्रग्स पे कोई GST नहीं होनी चाहिए। महिला होने के नाते कहा कि बच्चों की एजुकेशन है तो एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। किताब कॉपियाँ खरीदती हैं महिलाएं तो उन पे GST नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए उनके बच्चों के लिए। और दूसरा ये है कि जो उनकी किचन है, गैस इतनी महंगी है, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा बच्चे अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे तो बच्चों के न्यूट्रिशन का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे तो कैसे अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। और वो एक डॉक्टर होने के नाते भी है मेरा, मेरे मरीज को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी अगर सब्जियाँ महंगी होंगी, वो सलाद नहीं खा पाएंगी, दूध नहीं पी पाएंगी, तो उनकी स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा। तो मेरे कंसर्न तो एक डॉक्टर होने के नाते भी और महिला होने के नाते सेम है। हर बार की तरह इस बार भी बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, ऐसे में इसे चुनावी बजट माना जा रहा है। इसे लेकर हर तबका अपने अपने सेक्टर में बड़ी सहूलियत चाहता है। मेरे विचार से ये, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो जनता पर बोझ कम से कम डालने की कोशिश की जाएगी, तो लेकिन मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक पुरानी मांग है कि मरीज से कम सरकार कमाई न करे, और सरकार किस तरह कमाई करती है लोगों को ये भी नहीं पता होता। हर दवाई पे टैक्स है, अच्छा खासा टैक्स है, और उसकी बोतल पे, उसके कैप पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, और उसमें कई तरह के टैक्स इन्वॉल्व हैं। तो दवाई कौन खाता है? दवाई खाता है जो बीमार होता है, तो बीमार होने का ही एक तरह से टैक्स हुआ। दवाई कौन लेता है? जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये एक्सीडेंट का होने का, उसकी एक तो हड्डी टूट गई, उसकी सर्जरी हो रही है, और ऊपर से दवाइयों पे एक अच्छा बड़ा पोर्शन जो है सरकार कमाई के रूप में, टैक्स के रूप में ले लेती है। अगर ये कर दिया जाए तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेक्टर भी उन अहम सेक्टर में से एक है जहां बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। स्वास्थ्य सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं। सी न्यूज के लिए अंकुर कुमारिया की रिपोर्ट। एक फरवरी 2024 को इस साल का बजट आने वाला है, जिसको देखते हुए सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता और जूता व्यापारियों का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। हर सेक्टर को 2024-25 के बजट का बेसब्री के साथ इंतजार है कि नया आने वाला बजट किसके लिए क्या लेकर आएगा। इसी बीच जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जो 18% GST है वो कम, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो बिक्री है वह GST कम होने से बढ़ सकती है। 1 फरवरी को 2024-25 का बजट आने वाला है जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देने वाली हैं। तो आज जानते हैं, हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे मौजूद हैं, तो जानते हैं इनसे कि आगे आने वाले समय जो बजट आ रहा है उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार जी। तो सर आगे जो बजट आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? आगे उम्मीदें ये हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 18% GST है तो थोड़ा GST कम हो। दूसरी उम्मीद ये है कि भारत सेमी कनेक्टर जो चिप लेवल का काम होता है वो क्या है कि अभी विदेशों में है, तो अब कुछ है ना यहाँ पे जो मोदी सरकार ने आगे बढ़ाई है स्कीम, तो वो यहाँ बननी चाहिए, जिससे कि क्या है कि ना यहाँ पे फ़ोन जो है चिप मैन होता है उसमें सेमी कनेक्टर में, तो वो लगता है तो फ़ोन थोड़ा सस्ता होगा तो यहाँ की जनता को सस्ता फ़ोन मिलेगा। तो मोदी सरकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में तो यही है कि GST कम हो 18% और चिप लेवल का काम इंडिया लेवल में ही अंदर ही अंदर होना चाहिए जी। तो जैसे कि कल जब बजट आ जाएगा, अगर GST कम नहीं होती है तो मोदी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो नेचुरल है, सब जने यही चाहेंगे कि GST कम हो,
बाकी तो देखो गवर्नमेंट है, काफ़ी योजनाएं सोच के समझ के बनाती है। भारत को आगे प्रमोट करने में मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो बस यही गुजारिश करने जाएंगे कि GST कम हो जाए और जो सेमी कंडक्टर चिप है उसका काम अच्छे लेवल पे इंडिया में ही हो, जिससे यहाँ पे रोजगार भी बढ़े, प्लस फोन भी सस्ते हों, जो यहाँ की जनता सब जने इसका उपयोग कर सकें। तो वहीं जूता व्यापारी का कहना है कि हर तरफ महंगाई की मार है, ग्राहक भी चाहते हैं कि महंगाई कम हो। उन्होंने बताया कि कपड़ा व्यापारी 6% की GST देते हैं, तो वहीं हम लोग 18% की GST देते हैं। 2024 का जो बजट आ रहा है वो बजट ऐसा आना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर जो GST लगी हुई 18% की, वो GST कम होना चाहिए, उससे के ग्राहकों को भी फायदा होना चाहिए। ग्राहक के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है, ग्राहक भी चाहता है कि उसको सस्ता माल मिले, और हमारा जो ऊपर जो 18% GST है उसको कम होना चाहिए, इसलिए कि जो महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं इस महंगाई से। बजट जो जनता के इसमें आना चाहिए, परेशान जो है जनता जो परेशान है, जो महंगाई की वजह से परेशान है, कुछ बच्चों के लिए कुछ अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रही है जनता, उसको खाने पीने में लगी हुई है, चीज़ में जो परेशान है, कपड़े खरीदने जाते हैं तो उस पर भी GST देना पड़ती है कस्टमर को, और हमें भी, हम माल लाते हैं हमें भी GST देते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका कम होना चाहिए भाई, कपड़े के ऊपर जो है 5-6% है तो उसका हमारे 7-8% हो जाने चाहिए, जिससे कि हमें भी फायदा होए। तो आने वाले बजट से यही उम्मीद है कि जूता व्यापार की GST कम हो जाए। सी न्यूज के लिए आंचल परमार की रिपोर्ट। टैक्स में ज्यादा छूट से लेकर महिलाओं के विकास के लिए बजट में होंगे कई फैसले, जानिए क्या क्या उम्मीदें हैं 1 फरवरी 2024 के बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। भले यह यूनियन बजट नहीं है, पर फिर भी इस बजट से कई लोगों को काफी उम्मीद है। जैसे कि आपको पता है, महिलाएं सबसे ज़्यादा कार्यभार उठाती हैं, अपने घर का बजट चलाती हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो रसोई की चीज़ें हैं जैसे कि राशन, गैस, ये सब सस्ता होना चाहिए। और जैसे कि आज की महिलाओं का ये कहना है कि हम कुछ भी सेव नहीं कर पाते हैं बिकॉज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बच्चे जाते हैं, उनके हस्बैंड जाते हैं, जो खुद जॉब करती हैं वो लोग ड्राइव करती हैं, तो उसके हिसाब से मेरा तो ये मानना भी है कि पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए। सेकेंडली, जैसा कि मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो लेडीज़ जॉब करती हैं वो दुगना कार्यभार संभालती हैं, घर का, बाहर का, तो उनके उनके हिसाब से थोड़ा सा जैसे रिबेट में, हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए, जो कि बहुत पहले 2012 में हुआ करता था। तो मेरा यह मानना है कि स्लैब्स डिफरेंट होने चाहिए लेडीज़ के लिए और मेल मेंबर्स के लिए। इस बजट में जहां एक तरफ टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद है। मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से इस बजट में ये अपील करना चाहती हूँ कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाकर हम जैसे इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का प्राइस काफी लो होता है, इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनसे कम्पीट नहीं कर। आपके इस इम्पोर्टेंट स्टेप से हमारी जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन मिलेगा और साथ ही मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। महंगाई कम होनी चाहिए, रसोई में कितना खर्चा है, गैस कितनी महंगाई है, कोई गरीब आदमी नहीं ले पाता है, कैसे अपना गृहस्थी पाले, दो दो तीन दिन बच्चे हैं उन पे क्या होता है, उसमें बदलाव सब चीज़ में बदलाव आना चाहिए, सस्ती गैस होए, महंगाई कम करे, महंगाई तो इतनी है आजकल जमाने में जो पूरा ही नहीं पड़ता है बच्चों का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर सरकार चला रहे हैं तो उनसे ये कहो कि बजट, भाई गरीब इंसान है कैसे खाना खाएगा, कैसे रोटी भी ज़रूरत है, आटा सब, दाल कम से कम, दाल चीनी आटा इन पे तो महंगाइयाँ कम करें, कैसे खाना, गरीब इंसान खाना ही नहीं खा पा रहा है। अब बस मुश्किल तो होता है क्योंकि अब पेंशन आ रही है मेरे हस्बैंड की, तो थोड़ा महंगाई रहती है, अभी हमारे मेडिसिन का भी खर्चा आता है, तो इसलिए यही है कि थोड़ा महंगाई कम रहेगी तो बजट भी ठीक चल जाएगा, यही है
सरकार से कि वो थोड़ा चीज़ों पर अंकुश लगाएं, करें। पेट्रोल भी महंगा है, सब चीज़ें थोड़ी सी अगर नीचे आएंगी तो आराम, मतलब आराम से खर्चा चलेगा। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से इस साल यूनियन बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज विशेष में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।